सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग आए हुए पहलगांव और दो दिनों से हम लोग यहीं पर ही रुके हुए थे, यहाँ पे मस्त घूमे फिरे। बट अभी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं कटरा, तो वहाँ पर भी दो नाइट रुकेंगे और हमारा ब्रेकफास्ट भी बाकी है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं कटरा। और सारा सामान भी गाड़ी में लग गया है, तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से कटरा के लिए। और बाकी ये बर्फ और ठंड फिर दिखने को तो नहीं मिलेगी। तो गाइस, फिलहाल अभी दोपहर के 11:30 बज चुके और अब जाके हमारी मेन गाड़ी आई जिसमें हम लोग जाने वाले। बेसिकली सुबह से एक दिक्कत हो गई थी गाड़ी को लेके, तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी दूसरी गाड़ी अभी आ रही है, तो सबका सामान लोड करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट कटरा। और अब तो कटरा पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। तो चलो गाइस, फिलहाल अभी रास्ते में रुके खाना खाने के लिए। वैसे तो हम लोग चालू गाड़ी में ही नाश्ता कर रहे थे, बट अभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। चलो गाइस, खाना बीना तो हो गया, तो अभी फिर से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो चलो गाइस, फिलहाल अभी यहाँ रास्ते में रुके फ्रेश होने के लिए। और भाई कितना ट्रैफिक था यार रास्ते में, 7 बज गए और अभी तक सिर्फ आधा रास्ता ही कवर हुआ है, अभी भी आधा रास्ता बाकी है। तो हमको पहुँचते पहुँचते शायद 9-10 बज जाएंगे, बाकी बारिश भी आने वाली है तो सामान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो अभी फिर से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो चलो गाइस, फाइनली होटल तो पहुंच गए और भाई रात के 9:30 बज चुके हैं। तो चलो फिलहाल अभी रूम में चलते हैं। तो देखो ये है अपना रूम और इस होटल में तो भाई बालकनी भी है और ये यहाँ से बाहर का व्यू, तो सामने ऊपर माँ वैष्णो देवी मंदिर। तो शायद हम लोग कल सुबह ही जाएंगे जल्दी, बाकी भाई यहाँ से सिटी बहुत मस्त दिख रही है। और यहाँ पर तो भाई कटरा में बिल्कुल ही ठंड नहीं है, अदरवाइज तो पहलगांव गुलमर्ग जहाँ भी घूमे सभी जगह पे एकदम मस्त ठंड थी, बट यहाँ पर तो हमारे सिटी के तरह ही पूरी गर्माहट हो रखी है। और बाकी हमारी दो गाड़ियाँ अभी भी पीछे, तो वो जैसे ही आती है वैसे चलेंगे हम लोग डिनर करने के लिए। और कल सुबह 5 बजे माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने का प्रोग्राम है, तो देखते हैं कब तक ऊपर पहुँचते हैं। 5 बजे तो हम लोग चलना शुरू करेंगे। तो गाइज 9 बजने वाले और अभी तक दूसरी गाड़ियाँ नहीं आई, तो चलो हम लोग ही चलते हैं डिनर करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे आसपास में क्या अच्छा मिलता है। चलो गाइज, यहाँ पे पाव भाजी तो ठीक ठाक थी, तो अभी कुछ पेट नहीं भरा पाव भाजी से, तो सामने ही मस्त पानी पूरी वाला दिख रहा है, तो चलो आज इसकी पानी पूरी ट्राई करते हैं। तो चलो गाइस, मस्त पानी पूरी तो खा ली, तो अभी खा रहे हैं मटका कुल्फी। तो चलो गाइस, मस्त खाना पीना हो चुका है, तो फिलहाल मैं और जेन निकले हैं ऐसे ही टहलने के लिए, तो मस्त पूरा मार्केट घूमते हैं, बाकी और तो हमको कोई काम है नहीं अभी। चलो पहुँच गए फाइनली होटल, तो अभी चलते हैं भाई सोने के लिए क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना भी है। तो चलो फिलहाल इस लोग को मैं करता हूँ। चलो गाइस, 12 बज चुके और अब जाके हम लोग निकलेंगे। बाकी सभी लोगों का अभी कुछ सामान गाड़ियों में लग रहा है। यहाँ बालकनी में खड़े रहने में तो भाई मजा आ रहा है, एकदम मस्त भजन बज रहे, पता नहीं कहाँ से बज रहे लेकिन आवाज एकदम साफ साफ आ रही है।